प्रदेश में सोमवार को और 6 मई को दो चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर के राजस्थान पुलिस और सशस्त्र बलों ने पूरी तैयारियां कर ली है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव की दिशा में राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और मतदान वाले इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया है। साथ में 21,000 होमगार्ड्स, 1,000 फॉरेस्ट गार्ड्स और 1980 राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड्स की भी तैनाती की गई है। मतदान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड तैनात रहेगा। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के साथ में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मतदान केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए 10 मतदान केंद्रों के लिए एक पुलिस मोबाइल पार्टी की तैनात की गई है। साथ में केंद्रीय बलों को शामिल करते हुए विधानसभा वार 2 क्विक रेस्पॉन्स टीम भी उपलब्ध करवाई गई है। पहले चरण की 13 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल 104 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 28,182 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हो चुके हैं। वहीं पर द्वितीय चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल 96 विधानसभा क्षेत्रों के 23,783 मतदान केंद्रों पर चुनाव को लेकर के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पहचान की गई थानों द्वारा और उनको विभिन्न स्तरों पर चयनित किया गया, थाना, वृत्त, जिला, रेंज और पुलिस मुख्यालय, और ये निर्देश दिए गए कि इनके गिरफ्तारी के लिए और इनको निष्क्रिय करने के लिए टीम्स